नौकरी मुआवजा बिजली पानी आदि समस्याओं को लेकर रायत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले एनके महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना को संबोधित करते हुए एनके एरिया रायत विस्थापित मोर्चा के अध्यक्ष विगन सिंह भोक्ता ने कहा कि आज सीसीएल को खदान खोलने के लिए रायतों ने अपनी जमीन दी है, तब जाकर खदान खुला है। ऐसे में सीसीएल प्रबंधन रायतों को अनदेखी कर अपना कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मानकी बस्ती के रायतों को नौकरी मुआवजा नहीं मिली है, वहीं यहां बिजली पानी की समस्या बनी हुई है। अगर सीसीएल प्रबंधन इस विषय पर ध्यान नहीं देती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसकी सारी जवाबदेही सीसीएल प्रबंधन की होगी। आज बैठक, आज रायत विस्थापित मोर्चा ने जो निश्चित काल के लिए धरना जो दिए हैं, जो मानकी बस्ती की जो समस्या था, चार सूत्री मांग था, उसमें इनके प्रबंधक बहुत पहले भी आश्वासन दिए थे, गांव जाके विजिट भी किए थे, बल्कि इनका एक दिखावट था और यहाँ के रायत लोग के भोले भाले समझते हैं और यहाँ के रायत लोग के मतलब पूर्वक समझते हैं और खास करके अरे यहाँ के रैयत लोग ने जमीन जगह दिया है तब यहाँ से चल रहा है और रैयत लोग के बहुत आप लोग ठके हैं, अब ठकाने वाला नहीं है। और जो चार सूत्री मांग में जब तक नहीं डिसीजन लेते हैं तब तक ले जारी रहेगा और हम लोग धरना के माध्यम से यही इनका आग्रह कर रहे हैं कि आप होश में आ जाइए या नहीं तो आपका एक इंची जमीन खदान चलाने के लिए नहीं मिलेगा कहीं। रैयत वही है, यहाँ किसान वही है, यहाँ के पूर्वज लोग ने जमीन को बाप दादा के रखे हैं, आज ने सीसीएल ने उस जमीन पर भी नौकरी चाहे मुआवजा देने के लिए कतराते हैं, हम क्यों जमीन देंगे। इसलिए आज जो आकाश दीप जो बना था यहाँ दुग रायत लोग के मतलब बहुत आयल करते हैं कि हम भेजेंगे तब वैसा नहीं चलेगा, आपका तो नौकरी देन ही होगा या नहीं तो फिर हम लोग आकाश दीप जो है वो हमारा है, यहाँ के रैयत के है, यहाँ के किसान के है। इसलिए इनका हम लोग धरना प्रदर्शन से इनका एक सूचना दे रहा हूँ कि गलत नहीं करें, यहाँ के रैयत लोग से कंधे पर कंधे मिला के चले ताकि आपका कहीं प्रोजेक्ट में बाधा नहीं आए, नहीं तो हम लोग फिर आगे चल करके भी निश्चितकालीन के लिए हम लोग खदान भी बंद कर सकते हैं। कि आप यहाँ के प्रबंधक हो के हम चेतावनी दे रहे हैं कि आप बिचौलियों लोग से सावधान हो जाइए, बिचौलियों लोग के बात में मत आइए। अरे आपका यहाँ खदान चल रहा है तो बहुत आपका बिचौलिया मिलेगा, बहुत नेता मिलेगा, खदान नहीं नहान यहाँ नहीं चलेगा ना, तो आपका बिचौलिया भी नहीं मिलेगा, यहाँ कोई नेता नहीं मिलेगा। तो मेरा जमीन है तो मेरा हुकूमत चलेगा और अगर नेतहन आप यहाँ पूरा प्रक्रिया यहाँ से बांधिए और इनका यही हम लोग कह रहे हैं मान की वास्तविक जो समस्या है जल्द से जल्द समाधान करें, तो निश्चित काल के लिए हड़ताल रहेगा, मतलब हम लोग धरना पर बैठल रहेंगे। सीसीएल प्रबंधन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना है, ये विशेषकर रैयतों से जो जमीन ली जाती है और यदि अधिग्रहण करने के बाद जो जमीन उनके उपयोग में नहीं है वैसे जमीनों को चिन्हित करके रैयतों को वापस करने का बात करती है, उनको वापस करें और अपना जो बुद्धि बल का जो आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ के रैयतों के लिए, जो एकमात्र विद्यालय था सेंट्रल स्कूल उसको अविलंब चालू करने का प्रयास करें और एक ही विद्यालय को देखते हैं आप,
और वैसे विद्यालय जहाँ पर हम रैयतों के बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी और यहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करनी होगी, पीने की पानी की भी व्यवस्था करनी होगी। जो आपने वादे और इरादे करते हैं उस पर आपको खरा उतरना होगा, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो मानकी बस्ती का जो आकाश द्वीप वाली जो मामला है, इस पर हम अभी अगर सकारात्मक पहल नहीं करते हैं तो इस पर ताला लगाने का काम करेंगे। इतना ही।